क्या कर रही हो? मैथ्स के सम्स कर रही हूँ, सभी हो गए, बस एक ही नहीं आ रहा। एक नहीं आ रहा, चलो मुझे दिखाओ। बाकी सारे हो गए? ये रहा। अरे वाह, इतनी इजी कर लियो। हाँ तो आपके लिए मुश्किल था, अम्मा मेरे लिए थोड़ी मुश्किल था। और कुछ? मैं मुझे एक कहानी याद आ रही है, सुनाओ आपको। सुनाओ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, डॉक्टर जियाउद्दीन, मैथमेटिशियन थे। मैथ्स का ही आप कर रही हो तो उससे मुझे याद आया, बहुत बड़े प्रोफेसर थे और दुनिया में उनका नाम था। तो उनसे एक मैथ्स का सवाल नहीं हल हो रहा था, उसके लिए जर्मनी जाने का सोचा कि जर्मनी जाएंगे, वहाँ से ये इक्वेशन हल करवाएंगे। तो यूनिवर्सिटी में उनके एक दोस्त थे मौलाना सुलेमान बिहारी, वो उनको मिले और उनको पता चला था कि जर्मनी जा रहे हैं एक मसला सॉल्व करवाने मैथ्स का। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप एक काम करें कि बरेली शरीफ में एक आलिम दीन है, उनके पास चले जाएं, वो आपका मसला हल कर देंगे उम्मीद है। तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, इतना मैथ्स का सवाल है, कोई इल्म दीन का सवाल थोड़ी है कोई, मैं वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो उनके दोस्त थे तो उन्होंने उनको थोड़ा सा जोर दिया और थोड़ा सा प्रेशर किया कि आप जाएं तो सही, ट्राई तो करें, देखें क्या होता है। तो वो राज़ी हो गए और बरेली शरीफ चले गए। अब वो जब बरेली पहुंचे तो जो आलिम साहब थे जिनसे उनको अपना मैथ्स का मसला हल करवाना था, तो वो बीमार थे। तो उन्होंने उनको कहा कि आपका मैं अपना मसला बाद में लेकर आता हूँ, अभी आपकी जब तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मेरी इक्वेशन है मैथ्स की। तो आलिम साहब ने कहा, नहीं नहीं आप बयान करें, आप बताएं मुझे। तो उन्होंने उनके कहने पर बताना शुरू किया, तो जो आलिम साहब थे उन्होंने फौरन ही उसका हल बता दिया। तो वो शॉक हो गए फौरन जवाब देखकर, और सडनली बेसाख्ता बोले कि अल्लाह पाक की तरफ से, बग़ैर किताबों के इल्म के बारे में सुना तो था कि अल्लाह पाक की तरफ से अता होती है, पर आज अपनी आँखों से देख लिया। अरे मैं तो जर्मनी जा रहा था अपना मसला लेकर, मगर वो हमारे जो दोस्त हैं सुलेमान बिहारी साहब, उन्होंने मुझे आपके पास आने का मशवरा दिया। वो आलिम-ए-दीन कौन थे? वो आलिम-ए-दीन थे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बेशुमार उलूम व फ़नून से नवाजा था और अल्लाह पाक ने बहुत ज़हीन व फ़तीन उन्हें बनाया था। आपने वो मैथ का सवाल आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको ये वाक्य सुना दूँ। कैसा था? अच्छा।